हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। काफ़ी टाइम के बाद मैं कर रही हूँ आज व्लॉग शूट, क्योंकि यहाँ पे हो रही है बहुत ही बारिश, व्लॉग शूट करने का टाइम ही नहीं मिलता है। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे इस वेदर की कंडीशन में। तो दिखाती हूँ आपको यहाँ का वेदर। अभी आज थोड़ा साफ हुआ है बहुत ही दिनों के बाद, दिखाती हूँ मैं। देखो यहाँ पे भी हो गया है छोटा सा लैंडस्लाइड, क्योंकि आजकल तो हर जगह ही हो रहे हैं। तो अभी खड़ी हूँ मैं बगीचे में, और मैंने काफ़ी टाइम पहले तभी यहाँ का व्लॉग बनाया था जब यहाँ पे फ्लावरिंग हो रही थी सेब की। अभी देखो सेब रेडी हो गए, ये वाले गोल्डन, ये वाले रॉयल, ये कैसे सेब है, इसमें तो पत्तियां ही नहीं है। पत्ती झड़ गई इसकी। क्यों झड़ गई? बारिश से खराब हो गई क्या ये? सेब खराब हो गए? नहीं। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं कर रहा हूँ यहाँ स्प्रे। अच्छा, स्प्रे करनी है जो जाजर ऊपर बोलो उनके लिए। मैं बोल दूँ, ये कौन सा सेब है? ए स्पर। स्पर? हाँ, स्पर है। अच्छा, तो गाइस अभी मैं खड़ी हूँ सेब के बगीचे में, और अभी मेरे अंकल से पूछा ये कौन सा सेब है। ये है स्पर नाम की कोई एक वैरायटी है। अभी आगे ले जाती हूँ आप सभी को। ये इधर से भी सेब है, मतलब इस बार बारिश की वजह से कुछ अच्छे सेब नहीं है, पर क्या कह सकते हैं, अच्छे ही हैं फिलहाल। ये भी सेब है, यहाँ दिखाती हूँ मैं आप सभी को। इतना छोटू सा पेड़ है और इसमें लगे हैं इतने सारे सेब, देखो दिख नहीं रहा क्लियरली। देखो इतने छोटा सा पेड़ है और इसमें लगे कम से कम 100 सेब। जाती हूँ आगे, ये भी है सेब। खड़ी हूँ बगीचे में। अभी 10-15 दिन के बाद सेब को तोड़ देंगे, मतलब ये रेडी हो गए हैं। अभी मैंने एक सेब खाया था 10-15 दिन पहले, बट उसमें मतलब इतना मीठा नहीं था, तो रेडी नहीं था। अब रेडी हो गया है। और ये देखो एक और पेड़, इसमें भी कम से कम 200 सेब लगे हैं इतने छोटे पेड़ में। ये वैरायटी वॉशिंगटन कुछ नाम से है, और जो दूसरा था वो था स्पर, और यहाँ पे है रॉयल, और ये है आपका गोल्डन। ये गोल्डन है, और इससे भी छोटू पेड़ है एक नीचे, उसमें भी लगे बहुत सारे सेब। जो ये ब्लैक ब्लैक, मतलब थोड़े ब्लैक कलर के सेब है, ये है वॉशिंगटन नाम से। ये आपका रॉयल।
ये रहा व्यू। सो गाइस मैं कर रही हूँ बहुत ही दिनों मतलब 2 महीने के बाद व्लॉग शूट, क्योंकि बीच में इतनी बारिश हो गई थी और क्या ही शूट करना था, कुछ ऐसी कंडीशंस थी। तो मैं कर रही हूँ बहुत दिनों के बाद ये व्लॉग शूट। आज मौसम थोड़ा अच्छा हुआ है बहुत ही दिनों के बाद, एटलीस्ट 1.5 महीने के बाद आज धूप लगी है यहाँ पर तो शिमला ट्यूब में। तो ये व्यू, अभी फॉग आनी शुरू हो गई है, आई थिंक बारिश ही हो जाएगी दिन तक भी, क्योंकि यहाँ का मौसम ऐसा ही है कि बारिश बारिश, थोड़ी सी फॉग आए तो बारिश हो जाती है। तो बट व्यू यहाँ का बहुत ही अच्छा है, बारिश के बाद पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहे होगा आपको, दिखाई दे रहा होगा आपको, व्यू तो अच्छा है सारा। रोड की कंडीशन है बहुत ही ख़राब, यहाँ पे कुफरी रोड भी बंद है, नारकंडा रोड भी बंद है, इवन ट्यूब रोड भी बंद है। यहाँ पे भी बहुत जगह पेड़ गिरे हैं, बहुत पेड़। इवन यहाँ पे भी हमारे घर के नीचे यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुआ है। आजकल तो कहीं निकल भी नहीं सकते, इतना लैंडस्लाइड हो रहा है, हर जगह लैंडस्लाइड ही हो रही है। सो गाइस आज है मेरा ऑफ, मतलब आज मेरी छुट्टी। दिखाऊंगी आपको आज मैं क्या क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी। वैसे आज मैं मार्केट जाऊंगी क्योंकि कल मैं जा रही हूँ, ये आप सबके लिए एक सस्पेंस है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ एक बहुत ही बड़ी जर्नी पे, लॉन्ग ट्रिप, और मैं जा रही हूँ कल, तो उसके लिए मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है आज। तो दिन तक जाऊँगी मैं मार्केट, फिर मैं करूँगी अपनी पैकिंग और कल मैं चली जाऊँगी हिमाचल से। तो वो भी आप सभी से शेयर करूँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कितने दिनों के लिए जा रही हूँ। पर आज अभी तो मैं सो के रही उठी हूँ और अभी मुझे ब्रेकफास्ट करना है, फिर मुझे जाना है मार्केट। मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए बाय। सो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी और ये है हम अभी सैलून में। सो गाइस मैंने आज थोड़ी शॉपिंग करी और थोड़ा सैलून में गया, अब मैं जा रही हूँ घर। फाइनली मेरा आज का लास्ट डे था जो हिमाचल में, वो मैंने अच्छे से स्पेंड किया और अब मैं जा रही हूँ अपने रूम, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई हूँ मैं आज। मैंने आज ऑलमोस्ट पूरा दिन मार्केट में ही स्पेंड किया है। सो गाइस आई होप आप सभी को ये मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी ही मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में।